थोड़ी बहुत प्ले करके दिखा दूंगा और इसे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखो, वन साइड ऑफ द स्टोरी सुनने के बाद लोगों को अपना रिएक्शन देना नहीं चाहिए, मतलब आई डोंट नो कि कैसे बिहेव करना चाहिए इस वीडियो पे, बट इससे हम लोग सीख ज़रूर लेंगे कि हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके की गलती करते हैं और इस तरीके के यूट्यूबर या किसी भी एजेंट के भी चक्कर में जो पड़ते हैं, उन सब के लिए एक सीख रहेगी कि आपको क्या काम नहीं करना है। चाहे आपका वीज़ा लगे चाहे ना लगे, चाहे आपको बाहर जाने को मिले या ना मिले भाई, लेकिन किसी के फ्रॉड के चक्कर में आप फंस गए ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो आपने सालों साल की कमाई और अपनी लाइक सेविंग्स वगैरह जो, या मम्मी पापा की, या मतलब किसी भी तरीके से जो आपने सेविंग्स अरेंज करके रखी थी, और एक झटके में जब वो आपकी उड़ जाएगी ना, लास्ट सपोज करो आपने 30 लाख 20 लाख किसी स्टूडेंट वीज़ा के लिए अरेंज किए थे और आपको पता लगता है बाद में कि जो आपने पैसे पे किए हैं एडवांस में जिस पर्सन को, वो एक स्कैम था, तो भाई आपके पैरों तले ज़मीन हिल जाएगी। तो इस वजह से बिफोर पेइंग एनी अमाउंट टू एनी वन हु इज़ प्रोमिसिंग कि मैं ये करवा दूंगा, वीज़ा दिलवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, भाई आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप किसी को पे करने से पहले आप 10 सवाल पूछो, 10 नहीं मेरे तो कहूँ भाई 20 सवाल पूछो, और उसकी पूरी रिसर्च करो कि पर्सन कौन है, किस तरीके से वीज़ा वो दिला सकता है, इज़ ही ऑथराइज टू गिव द वीज़ा, एनी एनी काइंड ऑफ द वीज़ा। और पहली बात तो वीज़ा स्पॉन्सरशिप भाई वही पर्सन दे सकता है, ये कंपनी दे सकती है, पर्सन भी नहीं दे सकता, कंपनी दे सकती है जो यहाँ पे लाइसेंस स्पॉन्सर्ड है, जो कि स्किल्ड वीज़ा लाइसेंस स्पॉन्सर्ड है, जिनको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप बोलते हैं, तो वो कंपनी ही ओनली स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर सकती है। अगर कोई पर्सन आपको प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मैं दिलवा दूंगा इस कंपनी के थ्रू या उस कंपनी के थ्रू, पहली बात तो उस कंपनी का जाके नाम चेक करो कि भाई दैट कंपनी इज़ रजिस्टर्ड, इधर इट इज़ रजिस्टर्ड और नॉट, एटलीस्ट उतना तो चेक कर लो कि भाई किसी को पैसे दे रहे जा रहे हो, थोड़ी बहुत रिसर्च करो अपनी, उसकी पूरा रिसर्च करो भाई कि किसको पे करने जा रहे हो, कितना काम आपको मिलेगा। जैसे आज की डेट में केयर होम को बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है कि एजेंट वगैरह प्रॉमिस कर दे रहे हैं कि मैं आपको केयर होम का वीज़ा दिला दूंगा, अब कोई स्टूडेंट वीज़ा वगैरह पर जाने की ज़रूरत नहीं है, या वर्क वीज़ा पर डायरेक्ट आ जाओ कि फालतू में आपको 30-40 लाख का स्टूडेंट वीज़ा में पैसे लगेंगे, इससे अच्छा 5-10 लाख में आपका वर्क वीज़ा जो कि केयर होम में काम हो जाएगा। तो ये वाली वीडियो जिसकी मैं बात कर रहा था, तो ये वीडियो मोस्ट प्रोबेबली आप सब लोगों ने देखी होगी। तो इस वीडियो में ये जो लेडीज़ है, ये डिपेंडेंट वीज़ा पे आई है, ये स्टूडेंट है, और इन दोनों ने जैसे तैसे मिलके गबरू इन यूके जो चैनल है, जो कि ये बंदा है, मैंने अभी ऑलमोस्ट दोनों की थोड़ी थोड़ी वीडियो देखी है, लाइक प्रॉपर वीडियो इनकी भी देखी है और इसकी भी देखी है, गबरू इन यूके की। बट द थिंग इज़ कि इसने पता नहीं कितना 16,000 पाउंड कुछ इसको स्टूडेंट वीजा कैश आई में थी। अमाउंट दिया। अभी देखो इतने आए क्या थे तो कोई बोलती नहीं है। हैगा, सब जिदा थी रहना, चलो ठीक है। फिर अभी ना जिदा कि वो चलता पिया सी, क्योंकि सारे वीजा स्विच करवा दे, स्टूडेंट स्टडी कंप्लीट नहीं करते, फिर असी भी सोचा कि जिदा इदा चीज हो सकता है तो असी भी करवा लेने हां। पहली बात तो यार, आप लोगों को वीज़ा स्विच बिफोर स्टडी कंप्लीट क्यों करवाना है, आई डोंट नो कि क्या जल्दी है वीज़ा स्विच करवाने की और क्या नहीं है। आप ऐसे एजेंट के चक्कर में या किसी और के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, आप लोगों को पहले अपनी स्टडीज़ क्लियर करनी है, तब जाके आपको कुछ भी प्रोसेस करना है। और अगर वीज़ा स्पॉन्सरशिप सच में कोई दिलवा रहा है, तो भाई जिस कंपनी के थ्रू दिलवा रहा है या जिस कंपनी की दिलवा रहा है, आपको उस कंपनी की पूरी डिटेल्स चेक करनी है, वेदर दैट कंपनी इज़ रजिस्टर्ड विद दी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और नॉट। और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल का वेबसाइट है, उस पर जाके भी रजिस्टर्ड कंपनीज़ की लिस्ट आप खुद से जाके चेक कर सकते हो और उन पर सर्च कर सकते हो कि ये कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है। फिर अभी गबरू ही नहीं होके भी रहा, हाँ सेवा करते पे आ, कितना हर एक की हेल्प स्टूडेंट के हाथ खड़े होने, सारा कुछ करें यार, अभी भी इन्होंने मैं दिखा था। भाई समाज सेवा वाला यहाँ पे रोल ही क्या है, आप लोग ये जो बंदा है वो स्टूडेंट वीज़ा पे आया है, तो इसने ज़रूर से अपनी अंडर ग्रेड तो किसी ना किसी डिग्री में किया ही होगा, किसी भी सब्जेक्ट में किया होगा, और इट्स अ कॉमन सेंस यार, तुम किसी बंदे पे ट्रस्ट करके कैसे उसको पैसे दे सकते हो। लाइक एक यूट्यूबर तुम्हें बोल रहा है कि ठीक है मैं किसी बंदे से आपको स्पॉन्सरशिप दिला दूंगा, पहली बात तो आप लोग मतलब इतना बिली तुम किसी बंदे पर ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है वो बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन जिस बंदे का वो रेफरेंस दे रहा है और उस बंदे से भी पूछताछ करो ना भाई, तुम उसको 16,000 पाउंड देने वाले हो या जो भी पैसे देने वाले हो, तो उससे पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन तो करो यार कि किस कंपनी में वो जो है स्पॉन्सरशिप दिला रहा है या जॉब दिला रहा है। ऐसे ही तुम किसी पे जाके ट्रस्ट करके पैसे दे रहे हो तो भाई आप उसको क्यों पैसे दे रहे हो बिना मतलब में, मतलब आपको अपना जो है इन्वेस्टिगेशन या पूरा इंक्वायरी ठीक से करनी चाहिए भी यार, किसी को पैसे देने से पहले आप लोग पूछताछ क्यों नहीं करते, पता नहीं समझ ही नहीं आता। और ऐसे मतलब वीज़ा स्विच वगैरह वाले काम वैसे ही इलीगल है, अगर वो गलत काम कर रहा है तो आप लोग भी तो गलत काम कर ही रहे हो, तो दोनों ही पकड़े जाओगे। अगर होम ऑफिस से कुछ भी इंक्वायरी बैठती है तो सभी लोग पकड़े जाओगे तुम लोग। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
जब उसने अपना पर्सनल अकाउंट दिया था तो आप लोगों को तभी समझ जाना चाहिए था, या तो कोई कंपनी का ऑफिशियल का अकाउंट होना चाहिए था जिसमें आप वो पेमेंट लेता, तब भी आपको डाउट होना चाहिए था। मतलब फिर फोन आ गया एक वीरे का, मनजीत ऑफिशियल का, कहता कि तुम पैसे नहीं सेंड कर रहे, वीरे साढ़े को है नहीं, अभी कितों करिए, फिर इंडिया तो मंगाने, कहता इतना नहीं फाइल शुरू करनी है। मैं अभी फिर इन्होंने 3000 अकाउंट सेंड किया, फिर उसी अकाउंट से किया इन्होंने, कहते फिर साढ़े अकाउंट, फिर अभी आह वीरे को मैसेज किया, घबरे नहीं यूके इतने मैसेज भी होना कि वीरे भी पैसे आप इतना देने कि मुंडा ट्रस्टेबल है, अगर घबरे नहीं यूके वीरे ने कहा कि मैंने कई लीगल काम कराया कि तुम पैसे दे सकते हो, कहना कि मुंडा ट्रस्टेबल है, अभी मत चेता है कही है घबरे नहीं यूके वीरा, इन्हें पूछ पूछ के चले क्योंकि इन्हें हमें सजेस्ट किया कि इन्हों को पहले दिन दसता भी मेरा डाइट सच नहीं कोई है, अभी इतने तले हैं पर इन्हें दस नहीं खाता, मैं तो मैं कहती मेरा फ्रेंड तो कम लो ही नहीं है क्योंकि स्टूडेंट है, तो मैं सारा दिन काम तो मार जानी, मैं अपनी मेहनत की कमाई दिखती पर उन्हें दस नहीं खाता, फिर बाद में कहना लेकिन मेहनत की कमाई आपको देने से पहले एक बार थोड़ा सा भी इन्वेस्टिगेशन या कुछ रिसर्च करने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन मेहनत की कमाई किसी को आप दे सकते हो, लेकिन थोड़ा सा रिसर्च या सर्च वगैरह नहीं कर सकते हो उसके बारे में, यार दिस इज इनसेन यार, क्या बोलूं। जब भी बायोमेट्रिक आपकी होती है ना, जब आप जैसे आप ये बंदा जो है स्टूडेंट वीज़ा पे आया था और ये डिपेंडेंट वीज़ा पे आई थी, बायोमेट्रिक ऑलरेडी होके आती है, मतलब आप किसी भी कंट्री से आ रहे हो तो बायोमेट्रिक आपकी ऑलरेडी होती है, तब जाके आपको जो BRP जो कि बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट जिसको बोलते हैं, तब जाके वो इशू होता है, क्योंकि उसमें आपके बायोमेट्रिक आईरिस स्कैन सब कुछ स्कैन होता है, फिंगरप्रिंट वगैरह, और उसमें सारी डिटेल होती है एक पर्सन की, इसकी भी और इसकी भी, तो जो इनका BRP होगा उसमें ऑलरेडी फिंगरप्रिंट्स और ये सब डिटेल्स होती है। तो जब भी आप वीज़ा स्विच करते हो तो आपका जो BRP होता है उसको होम ऑफिस की गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट वो है एप्लीकेशन वो डाउनलोड करनी पड़ती है। जब मैंने PSW अप्लाई किया था तब भी मैंने यही सेम प्रोसेस किया था, एप्लीकेशन डाउनलोड करके अगर आपके पास NFC वाला फ़ोन है तो उसमें टच करना पड़ता है और सारी डिटेल वो आपको ले लेता है, आपको BRP के लिए मतलब न्यू बायोमेट्रिक वगैरह के लिए जाना नहीं पड़ता। और इनकेस अगर आपके पास फ़ोन वगैरह नहीं है तब आपको बायोमेट्रिक वगैरह के लिए VFS में दोबारा से जाना पड़ता है। बट ये आपके किसी के घर पे कैसे जा सकते हो आप बायोमेट्रिक के लिए? भाई बायोमेट्रिक के लिए आपको VFS ग्लोबल में जाना होता है, अपॉइंटमेंट वगैरह लेना पड़ता है। पता नहीं मतलब आपको इतने हिंट्स मिल रहे थे आप तब भी नहीं समझ पा रहे थे, उसके घर पे जाके आप बायोमेट्रिक कैसे प्रोसेस करवा रहे हो, मुझे यही नहीं समझ आया। तो आप सच मान क्यों रहे हो भाई, मतलब क्या बोलूं, मतलब आपको चेक करना चाहिए कि वो BRP स्कैन कर रहा है कि क्या कर रहा है, मतलब मैं जान ले क्या वीरा कहता है तू बाकी पेमेंट रख ली आई क्या भी इंडिया तो वीरा मैं आ लिया ये भी तसिया भी पेरेंट्स ने कर दिया घर भी कहने रखा हुआ अभी फिर भी तर्स नहीं खाता तो इन्हें क्या भी अगर अकाउंट से तुम अकाउंट ट्रांसफर कर देने कहता मिल तुम ना बैंक जाना और अभी भी पेंशन की पेमेंट कितना निकल दिया कहने तुम कह रहे हो गड्डी बाय करनी है थोड़े थोड़े करके ATM चो भी कटाने आप बैंक चो भी कटवाई करी क्योंकि अभी कितने फीस भी नहीं तारी अजे है बात है। जब भी आप किसी को पैसे वैसे देने से पहले पूरी उसकी रिसर्च करो, जो कंपनी आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप वगैरह दे रही है उस कंपनी की भी रिसर्च करो, वेदर दैट कंपनी इज़ रजिस्टर्ड अंडर गवर्नमेंट गाइडलाइंस और उनके पास वीज़ा स्पॉन्सरशिप देने की भी फैसिलिटी है या नहीं है। कंपनी अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वैसे ही नहीं वीज़ा स्पॉन्सरशिप दे सकती, और अगर कोई पर्सन आपको किसी पर्सन का रेफरेंस दे रहा है तब तो उस पर वैसे ही ट्रस्ट मत करो यार। और अगर ट्रस्ट कर भी रहे हो पैसे देने से पहले उसको 100 बार 100 क्वेश्चन पूछो, सारी चीज़ें पता करो, तब जाके इन सब चीज़ों में पढ़ो। बाकी यार लीगल तरीके से काम करो, सब चीज़ अच्छी होगी। आप अपने स्टडीज़ पे ध्यान दो भाई, स्टडीज़ ज़रूर कंप्लीट करो, अदरवाइज़ आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और आजकल तो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गए और स्ट्रिक्ट भी हो गए, तो ये सब किसी को रेकमेंडेड नहीं है, इन सब चक्करों में ना पड़ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मतलब ज़्यादा अपना
ओपिनियन वगैरह शेयर नहीं करना चाहता इससे ज़्यादा, जितना हो गया मतलब यही बहुत है कि स्टूडेंट को अवेयर करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को ये वाले काम नहीं करने हैं किसी भी हाल में। अगर कोई पर्सन आपका ट्रस्टेबल है तब भी आपको कंपनी के बारे में रिसर्च करनी है, कितनी सैलरी वो देंगे, कौन सी कंपनी में जॉब है, किस लोकेशन पर जॉब है, तो ए टू जी सारी चीज़ें आपको सर्च करनी है। क्योंकि आपके अगर एक बार पैसे चले गए तो आई डोंट नो कि वो कब रिफंड आएंगे और कब नहीं आएंगे। और अगर कोई पैसे ले गया नहीं ले गया, आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, आपको खुद से अपनी रिसर्च करनी है। और कुछ प्रॉब्लम होती है तो भाई आप इंटरनेट वगैरह है आपके पास, और आज की डेट में तो भाई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, तो वहाँ से जाके चेक करो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते फिर किसी ऑडियो में, तब तक ले बाय बाय।